ओलुन कैसे हो, वेलकम बैक टू अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो फ्रॉम बुरा भाई। सो गाइज यार, आज की ये वाली वीडियो होने वाली है ट्यूटोरियल मोंटास का, जो कि है 77 की तरह, 777 की तरह। सो गाइज, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो बता दूं यार, जो आपका गेम प्ले है किसी भी क्वालिटी में हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर स्लो मोशन करना है तो 60 FPS होना चाहिए, ठीक है गाइज। एंड यार, अपने हिसाब से आपने गन साउंड एडजस्ट कर लेनी है, कि जहाँ पर आपका गन साउंड है उसी तरह से लेबल कर लेना, अपने गेम प्ले को एडजस्ट कर देना, वो मैं बता ही दूंगा। खैर, एंड गाइस, क्या क्या चाहिए आपको, काइन मास्टर चाहिए, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेना। एंड चाहिए स्मूथ एक्शन कैम, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे भी डाउनलोड कर लेना। एंड आपको चाहिए क्लिप ग्राफिक्स वाले इफेक्ट, जो मैं बता चुका हूँ कि कैसे डाउनलोड करने हैं काइन मास्टर के इफेक्ट्स को। गाइस, करना क्या, स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला वीडियो का रेशियो लेना है। नाउ अब क्या करना है, जो भी आपकी वीडियो क्लिप है वो यहाँ पे ऐड कर लो। मैं कोई भी वीडियो क्लिप यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, ये वाली वीडियो मैं यूज़ कर लेता हूँ। नाउ आपने सॉन्ग ऐड कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि हमें बुक मार्क्स लगाने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे सॉन्ग चूज़ कर लेता हूँ। एंड बता दूँ, वो वाला जो सॉन्ग है वो कॉपीराइटेड सॉन्ग है, अगर आप यूज़ करेंगे इबीस वाला, लवली वाला, तो आपकी वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा। सो अगर आपने यूज़ करना तो कर लेना, उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मैं सॉन्ग ढूंढ लेता हूँ यहाँ पे, यार क्या नाम से था, शायद आइस आएगा, बी से आएगा मेरे ख्याल से, चेक कर लेते हैं ना, वेट कर लो। ओके 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 ओके, हाँ ये रहा, बी से ही है, बिली एलिश लवली, हाँ ओके, ऐड कर लेना। नाउ क्या करना है, वीडियो प्ले कर लेना। पहले मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, वीडियो मेरी अटक रही है थोड़ी, मैं यहाँ से ट्रिम कर लेता हूँ इसे। ओके, देन आपने क्या करना है, बुक मार्क लगाना है, वही यार बीट वाला बुक मार्क लगाना है, जहाँ पे बीट आ रही है वहाँ बुक मार्क लगा लेना। जैसे कि मैं बुक मार्क लगा लेता हूँ, जहाँ पे गन साउंड का उससे पहले एक बुक मार्क आएगा, देख सकते हो, तो यहाँ पे एक बुक मार्क है, मैंने बुक मार्क लगा दिया है। लगाया नहीं लगा, पहले मैं सॉन्ग ही एडजस्ट कर लूँ यार सही से, क्योंकि आ नहीं रहा है। मैं बता देता हूँ किस तरह से करना है। तो देन सिंपली आपने सॉन्ग प्ले करना है, जैसी बीट्स आती है वहाँ बुक मार्क लगा लेना, जैसे कि मैंने ये बुक मार्क लगाया। नाउ आपने क्या करना है, बुक मार्क पर जाना है, बुक मार्क कहाँ गया मेरा, ओके। देन आपने क्या करना है, वीडियो क्लिप जो है आपकी उस पर क्लिक करना है, स्प्लिट एट प्ले हेड कर देना है। देन सिंपली आगे की तरफ जाना है, देन सिंपली यहाँ पे किल हो गया कंफर्म, ए यहाँ पर आकर गिर गया, देन अगेन स्प्लिट एट प्ले हेड कर देना है। क्या करना है, जो साइड की दो क्लिप हैं, एक राइट वाली से डिलीट कर देना है, एक लेफ्ट वाली से भी डिलीट कर देना है। अब ये जो क्लिप है, फिलहाल मैं सॉन्ग बंद कर देता हूँ, इसे एक्सपोर्ट कर लेना है आपने, ठीक है गाइस। एक्सपोर्ट करने के बाद वापसी बैक आ जाना है, और उन दो के बटन पे टाइप करना है, दोनों क्लिप वापसी लेकर आनी है। हाँ, दोनों क्लिप देख सकते हो गाइस, वापसी आ गई। नाउ अब क्या करना है, स्मूथ एक्शन कैम ओपन करना है, ओपन फाइल पे जाना है। नाउ जो भी हमने एक्सपोर्ट करी है काइन मास्टर से, वो वीडियो ऐड कर लेनी है यहाँ पे, एंड उसे उसकी स्पीड हम यहाँ पे स्लो कर देंगे, 30 कर देंगे। सेटिंग सबको पता ही क्या रखनी है, ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, वो वीडियो देख लेना। उस पे गाइस हमने 3 times स्लो करा था 30-30 करके, नाउ इस बार हमने 2 times 30-30 करके स्लो करना है, ठीक है गाइस। सो मैं फर्स्ट कर लेता हूँ, देन एक्सपोर्ट कर लेना। अगेन जो अभी हमारी एक्सपोर्टेड क्लिप है स्मूथ एक्शन से, वो वाली क्लिप मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अगेन इसको 30 कर देना, मैं यहाँ 30 पे सेट कर लेता हूँ, 30-31, 30 से नीचे मत करना बस गाइस, 30 से नीचे नहीं करना है आपने, मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये 25 मेरा इतना हो गया, लेकिन आपने 30 से नीचे नहीं करना है बिल्कुल भी, नहीं तो वीडियो ख़राब हो जाएगी। सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद अगेन काइन मास्टर में वापसी आना है, जो बीच वाली क्लिप थी उसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। नाउ जो अभी हमने वीडियो स्लो करी है वो यहाँ पर ऐड कर लेनी है। कहाँ गई एक, अरे काइन मास्टर का क्यों खुल रहा है, स्मूथ एक्शन कैम, हाँ ये रहा। नाउ वीडियो क्लिप ऐड कर लेना, ओके पे क्लिक कर देना अगर इस तरह का कुछ आइकन आता है तो। नाउ गाइस अब क्या करना है, आपने जो उससे पहली वाली क्लिप है उस पर आ जाना है, उसकी स्पीड आपने बढ़ा देनी है जितनी भी बढ़ सकती है, ठीक है गाइस। स्पीड जैसे कि यहाँ पे जितनी भी, फिलहाल ये 3.5 हो रही है, क्योंकि छोटी क्लिप है, बड़ी हो तो बड़ी हो सकती है, 6 से ज़्यादा मत रखना। नाउ इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आना है, पीछे की तरफ आना है, जैसे ही स्प्लिट एट प्ले हेड का ऑप्शन आ जाता है पीछे की तरफ आना है, पहले हम राइट की तरफ जाते थे, इस बार हम पीछे की तरफ आना है, स्प्लिट एट प्ले हेड कर देना है। एंड जो पीछे वाली क्लिप है उसकी स्पीड वापसी से नॉर्मल कर देनी है, 1x कर देनी है। देन ये पोर्शन तो आपका हो गया, देख सकते हो
थोड़ा फास्ट इफेक्ट आएगा, बिल्कुल सेम वैसा ही। सो नाउ अब क्या करना है, मैं एक बार और आपको आगे की साइड मतलब इसी तरह से करके दिखा देता हूँ, क्योंकि क्लियर नहीं हुआ होगा अभी तक आपको, कंफर्म कह रहा हूँ। देख सकते हो ये क्लिप है हमारे पास, जैसे कि सबसे पहले हमें अपना वो पॉइंट ढूंढना पड़ता है कहाँ पर बीट आ रही है, सो उस बीट को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। देन सिंपली यहाँ पर मैं इसकी स्पीड फ़िलहाल कर देता हूँ 4x, ठीक है गाइस। नाउ मैं अब पॉइंट ढूंढ लेता हूँ जहाँ पे मैं अगेन अगला किल कर रहा हूँ। ओके थोड़ा थोड़ा हाँ, यहाँ पर मेरा स्कोप ओपन होएगा आगे जाके, एंड फिर मैं किल करूँगा एनिमी को। देन सिंपली करना क्या है, आपने स्प्लिटेड प्लेट का ऑप्शन का यूज़ करना है। देख सकते हो यहाँ पे मैं स्प्लिटेड प्लेट लगाऊंगा। नाउ गाइस अब क्या करना है, जो पीछे वाली क्लिक पे अगेन पीछे की तरफ ऐसे आना है, स्प्लिटेड प्लेट का जैसे ही ऑप्शन आया था इनेबल कर देना है इसे। नाउ पीछे की क्लिप को वापसी 1x कर देना है, एंड जो छोटी बीच में क्लिप है वो इसको भी अगेन मैं स्पीड यहाँ पे एकदम बिल्कुल स्लो कर दूंगा, एकदम बिल्कुल स्लो कर दूंगा। नाउ आगे की तरफ जाऊंगा, जैसे ही यहाँ पे अगेन स्प्लिटेड प्लेट का ऑप्शन आएगा मेरी स्लो क्लिप है, अगेन थोड़ा और आगे चला जाता हूँ, स्कोप ओपन हुआ यहाँ पर स्प्लिटेड प्लेट, अगेन इसकी स्पीड को मैं 4x कर देता हूँ, 6 जितनी भी कर सकते हो कर लेना, इस बार मैंने थोड़ी बढ़ा दी। नाउ अगेन जैसे ही ऑप्शन आ गया, अगेन इस आगे वाली क्लिप को स्लो कर देता हूँ। नाउ अब बारी आती है यहाँ पे इफ़ेक्ट्स इनमें कैसे डालना है। सो सबसे पहले हम ये वाली क्लिप लेंगे, जैसे फास्ट बीट के बाद हमारी नॉर्मल क्लिप है, ये फास्ट बीट, इसके बाद जो नॉर्मल क्लिप है इस पे हमें इफेक्ट डालना है। नॉर्मल क्लिप वाली पे क्लिप ग्राफिक्स पे जाना है, जिसको नहीं पता हो ये इंस्टॉल कैसे करने हैं प्रीवियस वीडियोस देख लेना, हाउ टू डाउनलोड काइन मास्टर इफेक्ट, ठीक है गाइस। नाउ ये जो येलो लाइन आ रही है यहाँ तक इफेक्ट रहेगा, इसे छोटा कर देना है, जितना जितनी देर तक आपने इफेक्ट रखना है उसी हिसाब से टाइमर एडजस्ट कर देना अपने हिसाब से, ठीक है गाइस। जैसे कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक चाहिए, देख सकते हो इस तरह का इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलेगा ये। ओके हो गया। नाउ आगे वाली क्लिप पे भी मैं इसी तरह से लगा देता हूँ इफेक्ट, कहाँ गया, हाँ ओके इस वाली क्लिप पे मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, अरे यार मिल जाओ कोई तो, हाँ चलो इस वाली पे लगा देता हूँ, वेट अ मिनट गाइस, हाँ ये वाली, ये जो फास्ट है ना आगे फास्ट वाली पे, स्वीट लाइज वाली लगानी है आपने। स्वीट लाइज में कौन कौन सी यूज़ करनी है आपने, 0.5 वाली और 0.1 वाली ही यूज़ करना, ठीक है गाइस, अगर आपने ये वाली बनानी है तो, ठीक है गाइस। दोनों ही बढ़िया इफेक्ट हैं, जूम इन वाले इफेक्ट हैं जो 77 ने यूज़ किए हैं, इसी तरह से लगते हैं, सिमिलर लगते हैं बिल्कुल, लेकिन वो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन आप हर जगह नहीं लगा सकते, इसलिए मैं हमेशा क्लिप ग्राफिक्स का यूज़ करता हूँ, एंड आप कोई भी क्लिप ग्राफिक्स का ही यूज़ करना चाहिए। सो मैं सभी में इसी तरह से इफ़ेक्ट डाल देता हूँ, एंड स्विंग इफेक्ट तो पता ही है कैसे डालना है, वो लाइट मोशन से डल जाएगा, चेक कर लेना उस वाली वीडियो को, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नाउ गाइस अब क्या करना है, कलर फिल्टर की बात कर लेते हैं, कलर फिल्टर कैसे करना है, यहाँ कलर फिल्टर पे जाना है आपने, लो सेचुरेशन पे जाना है आपने, लो सेचुरेशन L13 को चूज़ करना है, इसके ओपेसिटी यहाँ से कम कर देनी है, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देना है। नाउ क्या करना है, देख सकते हो गाइस सारी वीडियो इसी तरह की होगी, स्टार्टिंग पॉइंट पे आके एक बैकग्राउंड ऐड कर लो वाइट कलर का। नाउ इसे स्टार्टिंग पॉइंट से लेके लास्ट तक पुट कर देना, देख सकते हो मैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक रख दिया। नाउ क्या करना है, इसे स्क्रीन पे फुल कर देना। नाउ इसकी ब्लेंडिंग को कर देना है हमें ओवरले, ओवरले करने के बाद इसकी एक डुप्लीकेट कर लेनी है। नाउ डुप्लीकेट करने के बाद जो ऊपर वाला बैकग्राउंड है, नीचे को छोड़ के जो ऊपर वाला बैकग्राउंड है उसका कलर हमें कर देना है ब्लू, रेड और ग्रीन को कम कर देना। नाउ इस तरह का हो जाएगा, ब्लेंडिंग पे जाके इसकी ओपेसिटी को हमें कम कर देना है, ओपेसिटी को कम करना है धीरे धीरे, आपने रखना है 50 से ऊपर और 60 से नीचे, जैसे कि मैं यहाँ रख लेता हूँ 52, हाँ ओके हो गया। नाउ अब क्या करना है, जो वाइट वाला बैकग्राउंड है उसकी एक और डुप्लीकेट लेयर कर देनी है। नाउ इस तरह से एकदम लाइटम हो जाएगा यार एकदम। नाउ अब इसकी ब्लेंडिंग की ओपेसिटी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, अगर ज़्यादा रखनी है तो ज़्यादा कर देना, एंड कम करनी है तो कम कर देना, ठीक है गाइस, उसी तरह का इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये, ठीक है गाइस। अब नाउ बात कर लेते हैं ब्लिंकर इफेक्ट कैसे होगा। सो मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर करें, हाँ यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पे ब्लू कलर का जो हमारा बैकग्राउंड हमने ऐड करा था यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, जहाँ पे ब्लू कलर का बैकग्राउंड ऐड करता है, स्प्लिटेड प्लेट करना है। नाउ आगे की तरफ जाना है, जहाँ तक हमें ब्लिंकर या फ्लिकर करना है, यार फ्लिकर रखना, ब्लिंकर में मैंने गलती से ब्लिंक रख दिया था, वो बेकार लग रहा था, फ्लिकर मैंने बाद में करा तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, अब बार बार यार ट्यूटोरियल बनाने बैठूंगा बहुत टाइम लगता है, ऊपर से आप लोगों को जल्दी ट्यूटोरियल चाहिए। नाउ अगेन स्प्लिटेड प्लेट कर देना है। अब जो आपके पास बीच वाला बैकग्राउंड है ब्लू कलर का,
नाउ क्या करना है, इसे ओवरऑल एनिमेशन में जाना है। यहाँ मैंने ब्लिंक स्लो कर दिया था, बाद में फ्लिकर के बाद गलती से। आपने फ्लिकर रखना है गाइस, बता दो फ्लिकर रखना है आपने। नाउ आपकी वीडियो हो जाएगी एकदम रेडी। नाउ अब इस वीडियो को कर लो एक्सपोर्ट। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ यार आज का ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया आज का ये वाला वीडियो तो लाइक कर देना इस वीडियो को एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। एंड गाइस यार सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को यार, इंस्टाग्राम पर आ जाओ, मुझे फॉलो कर लो, मेरा यूज़र नेम है @iambura। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।